क्या है, इफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 90 डिग्री, देन फाइंड द बेस एंगल। अब देखो वर्टेक्स एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो बेस एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो टू साइड्स क्या है इक्वल, इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सो इट्स टू साइड मस्ट बी सेम, साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल सो द टू एंगल्स आर इक्वल, लेट वन एंगल इक्वल्स टू एक्स सो सेकेंड एंगल इज ऑल्सो एक्स, सो एक्स प्लस 90 इक्वल्स टू 180, सो टू एक्स प्लस 90 इक्वल्स टू 180। नाउ टू एक्स प्लस 90 इक्वल्स टू 180 एंड टू एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, एंड टू एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू 90/2। एक एक्स की वैल्यू क्या है 45, तो दूसरे एक्स की वैल्यू भी क्या है आपके पास 45 होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 10.1, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 5, फाइंड द एंगल, वट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, फर्स्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 2x, सेकेंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 3x, ये एंड थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 5x। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 एंड 10x इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 180/10, सो x इक्वल्स टू 18 डिग्री। फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे हियर, सो फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू 2 into 18, 2 into 18 इक्वल्स टू 36। नाउ सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 3 into 18, सो 3 into 18 इक्वल्स टू 44 डिग्री, एंड थर्ड एंगल इक्वल्स टू 5 into 18, सो 5 into 18 इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो अब उसने ये भी पूछा था कि ये आइसोसेलेस ये ट्राइंगल है कैसा है, ठीक है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एक एंगल क्या है इसका 36, एक क्या है 54 एंड अदर क्या है 90, सो दिस इज अ राइट एंगल।